हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप सिंह पर। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है निकल कर आई है और वो आई है बिहार से। बिहार में ये बताया गया है कि 2 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती होने वाली है और मैंने थंबनेल में भी लिख दिया कि कहीं पर हल्ला बोल तो कहीं पर सन्नाटा। सन्नाटा कहाँ पर है तो आपके उत्तर प्रदेश में सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 63,000 पदों पर जो है पद खाली हैं हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के, लेकिन अभी नहीं भरा जाएगा क्योंकि हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मित्र जो हैं उनके कोरम को पूरा कर रहे हैं। बहुत समस्या है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आपको सही तरीके से अपडेट चाहिए, नौकरी को लेकर कोई अपडेट चाहिए, वैकेंसी को लेकर कोई अपडेट चाहिए, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी सही और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आप यहां पर देख सकते हैं तेजस्वी यादव जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इन्होंने लिखा है कि आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई शिक्षा की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं तय सीमा के अंदर चरणबद्ध तरीके से अविलंब शिक्षकों के 2 लाख रिक्त पदों पर बहाली करने का निर्देश दिया है ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं आज इसको लेकर के आदेश भी जारी हो गया है। 2 लाख शिक्षक, बिहार जो कि उत्तर प्रदेश से बहुत ही जो है छोटा राज्य है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री जी या किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। वहीं पर आप देख रहे हैं चाहे फिर बिहार की अगर हम बात करते हैं या फिर हम राजस्थान की बात करते हैं, हर एक जगह पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यूपी में पिछले 4 साल से कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिली है। रीजन इसका कुछ भी हो, मेरा हर एक साथी ये चीज जानता है कि किस रीजन से भर्ती यहां पर नहीं आ रही है। बस जब बच्चे मांगने जाते हैं तो लोगों को अनुपात समानुपात का पहाड़ा पढ़ाकर उनको जो है ये कह दिया जाता है कि हमारे पास शिक्षक जो हैं पर्याप्त मात्रा में है, और कभी कभी तो ये बता दिया जाता है कि शिक्षक हमारे पास सरप्लस हैं यानी ज्यादा हैं। चलिए वहां पर और भी चीजें देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है कि यूपी के क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में 63,000 से ज्यादा टीचर के पद खाली हैं, और ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये खुद जो है संदीप सिंह जी ने कहा है अपनी विधानसभा में परसों या नरसों में, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। ग्रामीणों में 51,112 और शहर में 12,149 पद खाली हैं। बीजेपी सरकार में ना रोजगार मिलेगा ना शिक्षा मिलेगी, मिलेगा तो सिर्फ प्रचार यानी खोखला प्रचार। तो यहां पर चीजें आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, यूपी में किस रीजन से भर्ती नहीं आ रही, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी आइडिया का अनुमान हम लोग लगा सकते हैं आप जरूर बताएं, और बिहार के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे कि 2 लाख भर्ती वहां पर आ रही है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।